हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीजीसी चंडीगढ़ एडमिशन के बारे में। अब गाइस, इसके बारे में हम यहां पे सिर्फ इसकी डिटेल्स नहीं जानेंगे, बल्कि इसके साथ में गाइस इसकी कंप्लीट ए टू जेड डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। लाइक इसका एप्लीकेशन कब रिलीज होता है, किस तरह से फिल करना है, क्या प्रोसेस है, उसी के साथ एडमिटेड किस तरह से डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपका सिलेबस क्या रहेगा, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इस पर्टिकुलर एग्जाम के एडवांटेजेस क्या क्या है, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आपको पीजीजीसी चंडीगढ़ की हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो सबसे पहले पीजीजीसी चंडीगढ़ का फुल फॉर्म आपको बता दूं, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज पीजीजीसी का यहाँ पे फुल फॉर्म है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीजीजीसी चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन एम, मेन मोटिव ये है कि जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पे एडमिशन प्रोवाइड कराना है विद इन 9 डिफरेंट कोर्सेज अक्रॉस 5 स्ट्रीम्स लाइक आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड बैंकिंग, आईटी मैनेजमेंट। और इसी के साथ यहाँ पे आपको जो है कोर्सेज लाइक बीएससी, बीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम जैसे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और गाइस, यहाँ पे पीजीजीसी जो है एफिलिएटेड है पंजाब यूनिवर्सिटी से। अब बात कीजिए गाइस, इसके हमने यहाँ पे आपको हाइलाइट्स तो बता दिए, अब बात कीजिए इसकी डेट्स के बारे में, मीन्स यहाँ पे एप्लीकेशन कब रिलीज होगा, आप लोग एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, मीन्स आपका मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगा, सारी चीजें। तो गाइस आपको बता दूं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पीजीजीसी का, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ जून में रिलीज किया जाता है। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी ने डेट्स अनाउंस नहीं किए, जैसे डेट्स अनाउंस हो जाएगी उसके ऊपर वीडियो बना देंगे एंड उस वीडियो में आप लोगों को हर एक इवेंट की डेट्स एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे कौन से कोर्सेज यहाँ पे आपको पीजीजीसी चंडीगढ़ के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो गाइस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर्स ऑफ एप्लीकेशन, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, मास्टर ऑफ साइंस एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, ये कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बात कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म की, तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जाएं, कोई भी गड़बड़ करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो सॉरी टू से बट आपका एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं होगा एंड आगे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब गाइस क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन क्या, वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, ऑफिशियल वेबसाइट जाके आपको रजिस्टर करना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू एंटर ऑल योर, फॉर रजिस्ट्रेशन आपको जो अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड कराने थे, लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। आफ्टर दैट आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होता है एंड आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिन आपको जो है कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी होती है, लाइक योर पेरेंट्स डिटेल्स, योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एकेडमिक डिटेल्स, देन ऑल योर रिक्वायर्ड पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना रहता है एंड लास्ट में आपको एप्लीकेशन फी पे करनी रहेगी। एप्लीकेशन फी आपके यहाँ पे 70 रुपीज रहेगी। तो गाइस जब ये पूरा प्रोसेस आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तब जाके आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल करते हैं तो वो ये पूरा प्रोसेस प्रॉपरली नहीं कर पाते, इवन उन्हें अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल लिंक भी नहीं मिलती। तो गाइस आपको ये प्रॉब्लम ना फेस, इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे एंड उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा फ्रॉम स्टेप वन, यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेके टिल फाइनल सबमिशन, एप्लीकेशन फी तक इवन आपको पे करके बताया जाएगा। सो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो। इसी के साथ जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मिस मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, तो भी हम आपको जो वीडियो के थ्रू अपडेट करके नोटिफाई कर देंगे। सो गाइस नाउ आई होप कि आप लोगों को पीजीजीसी के एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग अभी कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कोई भी इशू, आप लोग डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।